साथियों, असम में एक हिस्टोरिकल फैसला लिया गया है असम विधानसभा में, क्योंकि ये जो फ्राइडे में जुम्मा वाला ब्रेक होता है विधानसभा में, जो जुम्मे वाला जैसे आपका नमाज होता है, इसी तरह से 1937 में उस समय का जो मुस्लिम लीग जिन्होंने भारत को तोड़ दिया दो पार्ट में, तो उस मुस्लिम लीग का किसी शायद साइदुल्ला ने ये एक रूल बना दिया था कि पार्लियामेंट सेशन यानी विधानसभा सेशन जब चलता रहेगा उसका अंदर जितना भी फ्राइडे आएगा, हर फ्राइडे में 2 आवर्स का जुम्मा वाला ब्रेक हो। भारत आजाद हो गया, देश तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने बनाया हुआ एक नियम आज भी हमारा देश में फॉलो किया जा रहा है। तो काफी सारा विधायक मिनिस्टर्स उन लोगों ने विचार परामर्श करने के बाद अपना प्रस्ताव जो विधानसभा का स्पीकर है उनका सामने आया। तो स्पीकर साहब ने कहा ये आज से लागू नहीं होगा, 87 ईयर्स पुराना एक जो डिसीजन था उसको हटा दिया गया है। लेकिन यहां से असली गेम चालू होता है, क्योंकि हटा तो दिया है, किसका हटा है? नमाज या जुम्मे वाला जो ब्रेक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यही तो गेम है। क्योंकि आप जो ये लिबरेंडो जितना है, ये लेफ्टिस्ट जितना है, ये आपको समझाएगा, क्योंकि एक सेकुलर देश में ये माइनॉरिटीज का ऊपर अगर ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है, और वो भी हिमंत बिश्व शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, ये तो सीधा हिंदू और मुस्लिम हो गया है। आगे आपको यही समझाया जाएगा, क्योंकि ये जितना ये छापने में मास्टर है, इसीलिए 87 ईयर जो ये रूल किसी ने बनाया था, जिन्होंने भारत को ही तोड़ दिया, भारत में रहता भी नहीं है, ये रूल आज तक छापता हुआ आ रहा है। जैसे अंग्रेजों को आज तक छाप रहा है ना, ये ऐसे ही इन लोगों को छाप के अच्छा लगता है। ये जो पढ़े लिखे जितने गधे हैं, लेफ्टिस्ट जितने हैं ना, ये वही करता है। सेकुलरिज्म का गाना आपको बहुत सुनाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। लेकिन यहां पर स्पीकर साहब ने ये नहीं कहा कि इसको बंद कर दिया, दैट मीन्स ये नहीं है। जो मुसलमान धर्म का लोग है वो पार्लियामेंट सेशन यानी विधानसभा सेशन जिस टाइम पर चल रहा होगा, उस टाइम पर अगर उसको 2 घंटा ब्रेक लेके अपना काम करने के लिए जाना है या नमाज पढ़ने के लिए जाना है, वो जा सकता है। उसके लिए कोई किसी ने मना नहीं किया, ऐसा कोई रूल भी नहीं बनाया। जिनको उस 2 घंटे वाला जो ब्रेक में, बेसिकली जो MLA जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने वही कहा कि हमें ये 2 घंटे में भी पार्लियामेंट सेशन जिस समय चलता रहता है हम काम कर सकता है, तो ये एक प्रोडक्टिविटी है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो छाटने वाला होता है वो आपको वही दिखाया जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम है, माइनॉरिटीज का ऊपर ये अटैक हो गया है। अब ये सेकुलरिज्म का सुर गाने वाला आपको कभी ये नहीं बताता है कि सेकुलरिज्म अगर सही में तुम लोग फॉलो करते हो, हर बार स्पेशली किसी बड़े धर्म के लिए क्यों करते हो यार? ये तो हिंदू मेजोरिटी वाला देश है ना, तो ये हिंदू मेजोरिटी वाला देश में कभी ऐसा हिंदुइज्म को फॉलो करने वाला जितना सनातन धर्म की MLA मिनिस्टर्स है, ये अगर पार्लियामेंट में जाके कह दे कि स्पीकर साहब आज के बाद मुझे हर रोज आधा घंटा ब्रेक चाहिए भगवान को या किसी देवियों को आरती करने का नाम, ये अलाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर वही बात कह दे कि किसी क्रिश्चियन कह दे कि मुझे गॉड का नाम पर आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, कोई पारसी कह दे, कोई सिख कह दे, कोई बौद्धिज्म कह दे, तो नहीं, तब तो आपका कम्युनल हो जाएगा। जब किसी खास धर्म वर्ग का होता है तो लेफ्ट इकोसिस्टम आपका सामने गलत पिक्चर प्रेजेंट करता है, और इसका जो दिल है ना, ये डिवाइड किया हुआ है। असम में डिसीजन लिया गया है, असम में जो MLA मिनिस्टर्स होगा जो मुसलमान धर्म से होगा, शायद उनको इतना दर्द नहीं हुआ होगा जो केरला का एक लेफ्टिस्ट को हुआ है। इनका ये बहुत ही सेंसिटिव है। गाजा में इसराइल अटैक करता है, इनको यहाँ दर्द होता है। लेकिन अभी नजदीक बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हिंदू का ऊपर जो हो रहा है आज भी, वो ये लोग कहता है ये तो झूठ है यार, ये तो झूठ फैलाया जा रहा है। तो इसीलिए ना मेरा मन में एक सोच आता है, मुझे लगता है ये आज का दिन में बहुत ही बढ़िया है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल, यूपी में बाबा, असम में मामा, इनके लिए बेहतर एक ट्रीटमेंट है।
इससे बढ़िया ट्रीटमेंट आज का दिन में इसके लिए कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग बोलता नहीं, सीधा करके दिखाता है। आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।